अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि हम कैनवा पर कार्टून कैसे बनाएं। आज हम कैनवा पर कार्टून बनाने का तरीका जानेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, कैनवा पर कार्टून बना रहे हैं, पीछे वॉइस ओवर करते हैं और आगे जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो बहुत सा पैसा उनको आ रहा है, तो बहुत से पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका, सिंपल स्टेप्स हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आप हम वक्त ज़ाहिर किए बगैर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, इसके लिए अब हम अपने कैनवा पर आते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैनवा। हम अब यहाँ पर कैनवा से हम अपने कार्टून बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट है कैनवा की, मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैं क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अगर यहाँ पर अगर तो आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया होगा, तो यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैंने भी गूगल से साइन इन किया है। तो भी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें ऐसा दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो वीडियोज़ वाला है, आपने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने थोड़ा सा और ऊपर करना है। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है वीडियोज़ वाला, ये देखिए ये वीडियोज़ वाला है, यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब हम इधर से हम अपने कार्टून बनाएंगे। ये कुछ लोडिंग ले रहा है थोड़ी सी, और उसके बाद आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा दिखा देगा। तो ये जो चीज़ है, ये वीडियो वाला ऑप्शन है, तो आप इसको पकड़ के एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा तकरीबन इतना कर लेता हूँ, और तकरीबन इतना ठीक है, मैं इतना करूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो सेकेंड ऑप्शन है, ये एलिमेंट्स का, तो मैं एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ से हमारा बनेगा जो भी हम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लैंडस्केप, जो हमने पीछे बैकग्राउंड लगाना है। मैं मिसाल के तौर पर लैंडस्केप लिखता हूँ, ये देखिए फर्स्ट वाला ये लैंडस्केप, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर ये जो सामने लिखा है प्रो वाला वर्जन जो है, ये है पेड वर्जन, तो हमने पेड वाला नहीं लेना। तो यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर आल है, तो यहाँ पर जो सामने ग्राफिक्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये हमें फिर एनिमेटेड जो बैकग्राउंड है वो हमें देगा। तो हमने एनिमेटेड बैकग्राउंड लेना है। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, आपको जौन सा पसंद आता है आप वो वाला ले सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मैं ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमारे सामने कुछ उसने ऐसा हमें दिखा दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और यहाँ से बड़ा करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ कर बड़ा करूँगा, और इसकी जो साइडें हैं इनको भी पकड़ के मैं बड़ा कर दूँगा। तो जो नीचे जो सामने लगा था जो रेशियो थी, उसके बराबर हमने कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, इधर हमने कार्टून बनाने हैं। यहाँ पर मैं अब बर्ड्स वगैरह मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर कोई परिंदों की हमने बात करवानी है, मिसाल के तौर पर दो परिंदे होंगे, हमें उनकी बात करवानी है। तो अब हम वो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये सामने सर्च किया है, मैं इसके ऊपर दोबारा सर्च करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं बर्ड्स, यहाँ पर मैंने बर्ड्स के ऊपर कर दिया सर्च। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने उसने कुछ ऐसे बर्ड्स बता दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सामने उड़ने वाले परिंदे आएँ, उड़ने वाले आएँ, तो फिर बात बनेगी, मज़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रोल डाउन करूँगा। तो यहाँ पर जो एनिमेटेड है, एनिमेटेड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो हमें हिलने वाला देगा। ये देखिए हमारे सामने ये हिलने वाले जो परिंदे हैं, उसने वो हमें लाकर दिखा दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी या जो सा परिंदा आपको अच्छा लगता है आप वो वाला उठा सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर क्या करता हूँ, ये वाला परिंदा उठा लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये आ गया है। तो इसको मैं पकड़ के थोड़ा छोटा कर लूँगा, क्योंकि अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इस तरह नहीं तो बड़ा लग रहा था, तो अभी इतना ठीक है। तो इसको मैं इधर साइड पर ले जाऊँगा, यहाँ पर लेके जाऊँगा। क्यों लेके जाऊँगा, इस वजह से अभी यहाँ से उड़ता हुआ आएगा और यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो इसी वजह से हमने इसकी एनिमेशन करवानी है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और आप यहाँ सामने ऊपर देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है एनिमेटेड का, एनिमेशन का, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर जो लिखा है क्रिएट एन एनिमेशन, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा बहुत सी यहाँ पर एनिमेशन हैं, लेकिन ये वो वाली एनिमेशन नहीं है जिस तरह की हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट एन एनिमेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमें कुछ ऐसा बता रहा है कि आप इस तरह एनिमेशन करवा सकते हैं। तो अब हमने एनिमेशन इसकी करवानी है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए बाकी सारा जो है ब्लर हो गया है। तो अभी हमने इसकी एनिमेशन करवानी है, इसको मैं पकड़ूंगा, और जैसे जैसे आप चाहते हैं इसको उड़ाना चाहते हैं, इसको आप उड़ा सकते हैं, और इसको दरमियान में ला कर हम खड़ा कर देंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर ला कर इसको खड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिए
ये मैंने जैसे ही छोड़ा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर उड़ना शुरू हो गया है। तो ये ज़बरदस्त सीन आ गया है, बहुत ही प्यारा सीन है, यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, एक और परिंदा लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दोबारा एक और परिंदा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा यही वाला ही लेता हूँ परिंदा, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फिर वही वाला आ गया। इसको मैं दोबारा पकड़ के छोटा कर दूंगा, तकरीबन जितना उसका साइज़ है तकरीबन इतना ठीक है साइज़, इसको मैंने छोटा कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब ये देखिए इसका जो साइज़, इसके जो फेस है वो दूसरी तरफ है, हमने तो इसका फेस अपोजिट करना है क्योंकि दोनों आमने सामने बात करें, तो उसका भी हल है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो फ्लिप लिखा है फ्लिप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका जो साइड है वो चेंज हो गई है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी पकड़ के यहाँ पर रखेंगे और इसकी भी एनिमेशन करवाएंगे वैसे ही जिस तरह हमने पहले करवाई थी। एनिमेशन के ऊपर गए, क्रिएट एन एनिमेशन के ऊपर गए, और इसकी भी हमने वैसे ही एनिमेशन इसको पकड़ के करवा देनी है। जिसको भी मैं पकड़ूंगा और इसको जैसे जैसे हमने उड़ाना चाहते हैं, ये देखना पड़ना है कि दोनों के जो सामने उड़ेंगे तो दोनों सेम सेम जगह आकर रुक जाएं, तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने छोड़ा दोनों इकट्ठे उड़ना शुरू हो गए हैं, और एक वक्त आएगा यहाँ पर आके देखिए यहाँ पर आकर रुक गए हैं। तो अभी ये क्यों इधर दोबारा बंद हो गया है, ये इस वजह से बंद हुआ है, ये जो नीचे हमने जो वीडियो थी एक्सटेंड हुई है वो इतनी ही एक्सटेंड हुई है। अभी मैं इसको पकड़ के थोड़ा और लंबा करूँगा ना, तो अब आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं मैं अपनी वीडियो को यहाँ से चलाना शुरू करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हमारी वीडियो एक्सटेंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान बातचीत करवाएंगे। तो पीछे आपने यहाँ पर वॉइस ओवर लगा लेनी है, तो इन दोनों के दरमियान में बातचीत होना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका था एनिमेशन करवाने का, और इसके अलावा आप बहुत से और भी करेक्टर आप कर सकते हैं। ये देखिए ये अब जा रही है वीडियो, तकरीबन ये लास्ट तक यहाँ पर खड़े होकर ही दोनों की एनिमेशन हो रही है। तो हमने फिर उसके बाद में जाके थोड़ा बहुत जो कट आउट करना है वो अभी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसको इसको थोड़ा सा ऊपर जैसे ही करूँगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो अभी ये देखिए ये अभी हमारी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो जैसे ही मुकम्मल होगी ये, तो हमारी फाइल्स हैं, फाइल में हमारी जो डाउनलोडिंग है ये आ जाएगी, तो हमारा जो एक सीन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह फिर आपने एक दो तीन जितने भी सीन क्रिएट करने हैं आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इनको इकट्ठा करके तो अपने किसी भी वीडियो एडिटर में जा के वीडियो एडिट कर सकते हैं, और इससे कार्टून आप बना सकते हैं। तो जैसे ही वीडियो आप डाउनलोड होती है तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो हमारे सामने जो फाइल्स में गई है वहाँ पर आ जाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि जो मेरी ये वीडियो थी ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपने फाइल्स में जाऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि मेरी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं अपने फाइल्स में जाता हूँ, तो ये देखिए ये सामने ये जो फर्स्ट वाली ये वीडियो है ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है और मेरी फाइल्स में आ गई है। अब हम इसको किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। जी ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको ले लाते रहेंगे। तो चलिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।